भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने वाले लिमिटेड ओवर की सीरीज से पहले बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि श्रीलंका टीम के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद भारत और श्रीलंका की सीरीज रद्द की जा सकती है। बता दें कि श्रीलंका की टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, जिसके बाद टीम कोलंबो पहुंची तो उनके टेस्ट हुए, जबकि उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इसी बीच ग्रांट फ्लावर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस पूरे मामले पर श्रीलंका बोर्ड की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका राष्ट्र टीम के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर का कोविड-19 के लिए किया गया टेस्ट पॉजिटिव आया है। फ्लावर में कोरोना के हल्के लक्षण नजर आने के बाद उनका RT-PCR टेस्ट किया गया, जो पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलने के तुरंत बाद ही फ्लावर को अन्य टीम सदस्यों से अलग कर दिया गया, जो कि इंग्लैंड से लौटने के बाद क्वारंटाइन है। भारत श्रीलंका सीरीज का पहला मुकाबला 13 जुलाई को होने वाला है। पहले 3 वनडे मैच होने हैं, उसके बाद T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम इंटर स्क्वाड मैच खेल अपनी तैयारियों को पूरी कर रही है। वहीं श्रीलंका क्रिकेट की मुसीबतें हर दिन बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड से वापसी के बाद श्रीलंका टीम के सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ को क्वारंटाइन में रखा गया, लेकिन ग्रांट फ्लावर के पॉजिटिव आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि टीम के कुछ अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ होने वाली सीरीज खतरे में पड़ सकती है। ऐसे हालातों में या तो सीरीज रद्द हो सकती है या फिर श्रीलंका को नई टीम का चयन करना पड़ सकता है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत ने अपनी दूसरे दर्जे की टीम को यहां भेजा है। वहीं इंग्लैंड की टीम में 3 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे दर्जे की टीम को उतारा है। अब अगर श्रीलंका की टीम में कोविड के मामले ज्यादा सामने आते हैं तो उनको भी अपने तीसरे दर्जे की टीम उतारनी होगी, जो काफी मुश्किल है। अब देखना होगा कि क्या भारत और श्रीलंका की सीरीज होती है या फिर खाली हाथ धवन एंड कंपनी भारत लौटती है।